और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ दिन भर की ट्रेंडिंग न्यूज़, बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ में, और उन्हीं ट्रेंडिंग न्यूज़ के हवाले से एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, वो खबर आ रही दिलीप मंडल जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा बयान पोस्ट किया है। ये बयान कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने लिखा है, होगा या नहीं होगा, 1996 में दोनों साथ आए थे, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कवायद लगा रहे हैं कि जिस तरीके से बसपा का और कांग्रेस का गठबंधन 1996 में हुआ था, क्या उसी तरीके से बसपा और कांग्रेस का गठबंधन 2024 के चुनाव में होगा या नहीं होगा, तो उसी को लेकर दिलीप मंडल जी का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इसकी कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे आवाज भी तेज होने लगी है कि कांग्रेस और बसपा साथ आने वाले हैं, जिसको लेकर कई बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बड़े समाज जिस तरीके से लोग हैं वो कहीं ना कहीं विश्लेषण लगातार करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी ये उम्मीद है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन आने वाले समय में होगा, और बसपा और कांग्रेस के गठबंधन के बिना बीजेपी को रोक पाना असंभव सा लगता है। वहीं राजपथ भाई सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा बयान सामने से निकल कर आ रहा है। वो लिख रहे हैं, जो बात स्क्राइब और मैं पिछले 9 महीने से कह रहे हैं, वो प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने कह दी है कि बसपा कांग्रेस का राष्ट्रीय गठबंधन अखिलेश मोदी सरकार से बाहर। शुक्रिया मंडल जी। जी हाँ, जिस तरीके से सैयद कासिम जी का ये बयान आया है, उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से वो लगातार कहते हैं आए हैं कि कांग्रेस और बसपा का अगर गठबंधन होता है तो अखिलेश के साथ साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट है यानी मोदी गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इसी को लेकर बड़ा बयान जो है, वहीं अनुपम मिश्रा जी ने इसी को कोट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कराई है। अनुपम मिश्रा जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि मैंने सिर्फ कांग्रेस और बसपा के गठबंधन और मुस्लिम वोट के पलायन के चलते सपा के जीरो होने की बात कही है। कासिम साहब, उन्होंने कासिम जी को ये बात बताई थी। जिस तरीके से कासिम सर और अनुपम मिश्रा सर लगातार राजनीति का विश्लेषण करते रहते हैं, और वो लगातार अपने विश्लेषण में जिस तरीके से आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होने वाले हैं उसका विश्लेषण करते हैं, और वहीं पर ये बयान सामने आया है कि मैंने सिर्फ कांग्रेस और बसपा के गठबंधन और मुस्लिम का जो वोट जो सपा की तरफ से पलायन कर रहा है लगातार, उसकी बात कही है। कासिम साहब, मोदी सरकार की हार की भविष्यवाणी मैंने नहीं की है, मेरा मानना है लोकसभा चुनाव में मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। मायावती वो चेहरा हो सकती हैं, महिला हैं, दलित हैं, कुशल प्रशासक हैं, इनके नाम पर ध्रुवीकरण नहीं होता है। कम से कम दर्जन भर राज्यों में 2 से लेकर 22% तक वोट है, और यदि विपक्ष का चेहरा बनती है तो बाकी राज्यों में दलित खींचे चले आएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से बड़ी बात उन्होंने बोल दी अपने ट्विटर हैंडल से, बड़ी बात लिखते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने टिक सके, मोदी चेहरे के सामने टिक सके, पर बहन कुमारी मायावती जी वो चेहरा हो सकती हैं जो मोदी के चेहरे को टक्कर दे सकती हैं। वो महिला भी हैं, दलित भी हैं, कुशल प्रशासक हैं, वो किसी भी तरीके का कोई भी बयान देती हैं तो उनके बयानों पर कभी भी ध्रुवीकरण नहीं होता है। और कम से कम जो बसपा का है, लगभग दर्जन भर राज्यों में यानी 12 से 13 14 15 ऐसे राज्य हैं जहां बसपा का 2 से लेकर कम से कम 22 23 24 25 तक जो प्रतिशत तक का वोट आपको मिल जाएगा। और बसपा अगर इस गठबंधन का चेहरा होती है, मुख्य चेहरा, और प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर बसपा को मुख्य चेहरा घोषित करते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य जो जिले हैं, अन्य जो प्रदेश हैं, वहां से भी जो बहुजन समाज का जो वोट है, दलित वोट बैंक है, वो ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और इस गठबंधन में खिंचा चलाएगा। परंतु उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस को ये बात भी बोली है कि परंतु क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए सोनिया इस पर तैयार होंगी, मुझे नहीं लगता। उन्होंने अपना संशय भी जाहिर किया है कि जिस तरीके से अनुपम सर कहते हैं कि मायावती के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके, पर वो उनको कहीं ना कहीं उनका संशय जो है सोनिया गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर है। जिस तरीके सोनिया गांधी और कांग्रेस और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना संजोए हुए हैं, उसको लेकर उन्होंने संशय जाहिर किया है। बिना प्रधानमंत्री चेहरे का यह गठबंधन कई राज्यों में प्रभावी तो होगा
उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल को साथ लेकर अखिलेश यादव को निहत्था भी कर देगा, पर क्या ये मोदी सरकार को हटा पाएगा? मुश्किल है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन का मुख्य चेहरा, प्रधानमंत्री पद के दावेदार का मुख्य चेहरा घोषित नहीं कर सकते, तब तक मोदी सरकार को हटा पाना या मोदी को रोक पाना असंभव सा लगता है। इस तरीके से बड़ी जो खबर आपके सामने से, जिस तरीके से अनुपम मिश्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है, इन्होंने लिखा है, वहीं जसवीर सिंह गरी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध धर्म के पक्ष में आवाज क्या उठा दी? सारा मनुवादी मीडिया, मनुवादी सरकार आज बसपा के खिलाफ 12 साल पुराने गड़े मुर्दे मुद्दे निकालकर चीख चिहाड़ पा रहा है। तो जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए, बसपा प्रमुख ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंदुत्ववादी राजनीति को टारगेट किया, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में अन्य भी तमाम ऐसे धर्म हैं जिनका मान सम्मान करना चाहिए और हिंदुत्ववादी राजनीति को छोड़कर संवैधानिक राजनीति करनी चाहिए और सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। तभी से बहन कुमारी मायावती जी पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार उन पर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सरकार लगातार पुराने 12 साल पुराने मुद्दों को उखाड़कर उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वही इंजीनियर रामजी गौतम के एक ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिस तरीके से रामजी गौतम ने जिस तरीके से एक मीटिंग की और उस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जनता से मुलाकात की, वहां 46 डिग्री के तापमान और भीषण गर्मी होने के बावजूद हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ता कल छत्तीसगढ़ के नवागढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं के जज्बे और जुनून और पार्टी को सत्ता में ललक को क्रांतिकारी जय भीम, अब यह कारवां रुकने वाला और झुकने वाला नहीं है, 2023-24 में मंजिल तक जाकर ही रहेगा। जी हाँ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रामजी गौतम ने बड़ी मीटिंग की और उसमें इतना भीषण गर्मी के बाद जहां टेम्परेचर 46 डिग्री के करीबन था, वहां पर कार्यकर्ता लगातार इतनी भीषण गर्मी में जमे रहे, जिसको देखकर लगता है कि 2023 और 24 में बहुजन समाज ने ये बड़ी बात ठान ली है कि इस मिशन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको उनके मुकाम तक, उनके आने वाली मंजिल तक पहुंचाने का पूरा उसने ठान लिया है और लगातार ये खबरें आपके सामने आ रही हैं। वहीं जिस तरीके से खबरें आ रही हैं आपके सामने से निकलकर, बहुत सारी ये खबर आप जो देख रहे हैं, ये खबर आपके सामने निकलकर आ रही है मूक नायक के ट्विटर हैंडल से, जहां पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए नेहा तिवारी जो एक्टिविस्ट है, बड़ा आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि मेरे कपड़े फाड़े, दुर्व्यवहार किया, नेहा तिवारी एक्टिविस्ट, वसंत विहार पीजी कैंप डोमिलेशन, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। इस तरीके से गंभीर आरोप लगाते हुए नेहा तिवारी ने जिस तरीके से दिल्ली जो पुलिस है उस पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़कर उनको जिस तरीके से ये सारी चीजें किया, उसको लेकर बड़ी उन्होंने ये खबर बयान दिया है। वहीं जो सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिस तरीके से सारी चीजें आपके सामने निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव पर उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है उस बयान को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा कि सुहेल देव ने अपने इस बड़े बयान में अखिलेश यादव को लेकर क्या बोला है और क्या है पूरा माजरा। कदम बढ़ रहा है धीरे धीरे, एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी 39 बीजेपी गठबंधन जी का था, आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियाँ थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है, विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाए तब फिर उसके बाद हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, दो घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं, आपको बहुत अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे। देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे एक नंबर के,
उनके जाने के बाद अगर एक नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। क्यों इतनी नाराजगी आ गई? क्यों इतनी नाराजगी बोलने का? प्रमाण मैं दे रहा हूँ, नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी करती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप मुझसे जीतेंगे? आप मायावती के पास वोट है उसके यहाँ नहीं जाओगे? ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है नहीं जाओगे? आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड मेड़ का झगड़ा आपका हमारे उनका? विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे कुछ? जी हाँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव पर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, और उन्होंने बता दिया कि अखिलेश यादव बहुत बड़े झूठे हैं, उनके पिताजी भी झूठे हैं, इस तरीके के उन बयान जो है अखिलेश यादव पे, जो इन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है के अध्यक्ष राजभर ने जिस तरीके से बड़ा ये बयान दिया है, वहीं डॉक्टर आरएस प्रवीण के ट्विटर हैंडल से बड़ा एक बयान सामने निकल कर आ रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से सरकार पर, सत्ता पक्ष पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए, उसकी नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि केसीआर जो गवर्नमेंट है उसको टैग करते हुए लिखते हैं कि केसीआर और उनके बेटे ने अपने स्वार्थ के लिए 10 गांव के लोगों के भविष्य का संकल्प लिया और इथेनॉल कंपनी को 700 करोड़ का भुगतान करने के लिए क्रभको नामक कंपनी के साथ मिलीभगत कर ली। इथेनॉल कंपनी गोदावरी की हवा, पानी, जमीन और पानी को प्रदूषित कर रही है और लोगों को कैंसर होने का खतरा है। कंपनी की स्थापना के खिलाफ संघर्ष कर रहे निवासी घोर वेदना में हैं। उनके उद्योग स्थापित करने के लिए गरीब लोगों की जमीन चाहिए। क्या आपका फार्म हाउस, आपका बेटा के जो उनके बेटे का फार्म हाउस है उसकी जमीन उद्योग लगाने के लिए नहीं दे सकते? जिस तरीके से आज डॉक्टर आर एस प्रवीण लिखते हैं कि केसीआर ने जिस तरीके से 10 गांव की जनता को, उनके भविष्य को जिस तरीके से दांव पर लगा दिया है, इथेनॉल कंपनी को उसका जो है टेंडर दे दिया, वहां उद्योग लगाने के लिए टेंडर दे दिया, जिससे लगातार गोदावरी की हवा, पानी, जमीन और वहां पानी प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोगों में कैंसर का खतरा बन रहा है, लोग लगातार उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, पर उनके आंसू जो है वो केसीआर को नहीं दिखाई दे रहे। उसी की बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा, क्या सिर्फ गरीबों की जमीनों पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं? अगर उद्योग धंधे लगाने ही है तो आप अपने बेटे के और अपने फार्म हाउस पे इस तरीके के उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाते हैं? इसको लेकर एक बड़ी बात उन्होंने केसीआर को टैग करते हुए बोल दी है। वहीं द न्यूज वीक के हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से निकल कर आ रही है कि दलितों को मंदिर में एंट्री दी तो आत्मदाह कर लेंगे, तमिलनाडु में हिंदुओं ने क्यों दी ऐसी धमकी? जी हाँ, जिस तरीके से तमिलनाडु के हिंदुओं ने लगातार दलितों के मंदिर में एंट्री को लेकर कंट्रोवर्सी होती रहती है, वहीं पर तमिलनाडु के हिंदुओं ने एक बड़ी बात बोल दी है कि अगर दलितों को मंदिर में एंट्री दी तो वो आत्मदाह कर लेंगे। वहीं कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने से निकल कर आ रही है, दलित टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने निकल के आ रही है कि कर्नाटक में अब स्कूल और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरीके की तमाम जो खबरें आज आपके सामने मैंने रखी, उन खबरों पर आपका क्या कहना है, और सपा, बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये हलचल मची हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये गठबंधन होगा या नहीं होगा? गठबंधन होने से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? क्या ये गठबंधन जो बसपा और कांग्रेस का होगा, क्या ये मोदी को रोक पाएगा? इन सारी बातों को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना बने भूले, और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।